लॉकडाउन ने हर किसी की जिंदगी बदल कर रख दी है और जानवर भी इससे छूते नहीं है। दरअसल लॉकडाउन के वक्त इंसान जैसे ही घरों में कैद हुए, जंगली जानवरों को शहर की आबादी के बीच घुसने का मौका मिल गया। जानवर भी ऐसे वैसे नहीं, शेर, चीता, कैंगरू जैसे खतरनाक एनिमल्स। आखिर बिना इंसानी दखल की ये शांत दुनिया जानवरों के लिए तो किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, जहां वो बिना रोक टोक के कहीं भी घूम सकते थे। चलिए आज हम आपको इन्हीं जानवरों से मिलवाते हैं। नंबर 12, पीकॉक इन द स्ट्रीट ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन में इंसान जहां घर की चार दीवारी में बंद थे, वही पीकॉक खाली सड़क पाकर मजे से शहरों में चक्कर लगा रहे थे। आमतौर पर खुले इलाकों में पाए जाने वाले ये पक्षी लॉकडाउन के दौरान नोएडा और बैंगलोर जैसे बड़े शहरों की सड़कों पर मजे से घूमते हुए देखे गए। कभी दौड़ते हुए तो कभी सड़क पर अपने यारों दोस्तों के साथ ये नजारा सच में अद्भुत था। नंबर 11, पेंगुइन सीन ड्यूरिंग लॉकडाउन। इस वीडियो को देखकर आप शायद दंग रह जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर पेंगुइन्स को जहां ठंडे और खुले इलाकों में देखा जाता है, वहीं लॉकडाउन के दौरान इन पक्षियों को साउथ अफ्रीका की सड़कों पर मजे से घूमते हुए देखा गया। ऐसा लग रहा है जैसे ये पेंगुइन्स शहर का मुआयना कर रहे हैं। पेंगुइन्स का इस तरह से शहर की सड़कों की खाक छानना 8वें अजूबे से कम नहीं है। नंबर 10, सिविट रोमिंग ऑन स्ट्रीट। लॉकडाउन के दौरान हम में से ज्यादातर लोग जहां घरों में छिपे बैठे थे, वहीं सिविट जैसे खूबसूरत जानवर केरला की सड़कों पर इस तरह टहल रहे थे मानो शहर नहीं बल्कि जंगली इलाका हो। ये जानवर सड़कों पर इतनी आराम से घूम रहा है जैसे उसे कोई जल्दी नहीं वापस जंगल जाने की। इस तरह के अद्भुत नजारे सिर्फ लॉकडाउन में ही देखने को मिल सकते थे। नंबर 9, वाइल्ड गोट्स केम आउट। लॉकडाउन के दौरान वाइल्ड गोट्स ने भी खूब उधम मचाई। शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक इन्होंने चप्पा चप्पा छान डाला। एशिया में पाई जाने वाली इन गोट्स के सींग आम बकरियों की तुलना में काफी बड़े होते हैं, साथ ही इनका वजन भी साधारण बकरियों की तुलना में काफी ज्यादा होता है। इसी वजह से ये गोट्स काफी बड़ी साइज की लगती है। खैर, ये तो मानना पड़ेगा कि महामारी के दौरान हम और आप भले ही घरों में कैद हो, लेकिन इस आपदा में इन जानवरों ने खुलकर मजे किए हैं। नंबर 8, लोन कैंगरू रूल्स द एम्प्टी सिटी। लॉकडाउन के समय दूसरे जानवरों के साथ साथ कैंगरू भी खुद को शहर में घुसने से रोक नहीं पाया। जंगली इलाकों में रहने वाले ये जानवर कूद कूद कर पूरे शहर के अनगिनत चक्कर लगाते हुए पाए गए, और खाली शहर पाकर इन जानवरों ने मॉल्स, पार्क से लेकर पेट्रोल पंप जैसी जगहों पर जाकर कुछ दिन सुकून और रोमांच के साथ बिताए। इन जानवरों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोगों ने इसे खूब इंजॉय किया और वीडियो को वायरल होने में जरा भी समय नहीं लगा। अब जाहिर है कि इस तरह की एक्टिविटीज आम जिंदगी में तो देखने को नहीं मिलती। नंबर 7, डॉल्फिन्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। जंगली जानवरों के अलावा पानी में रहने वाले जीवों ने भी शहरी इलाकों में घुसने की जबरदस्त कोशिश की, जिसका छोटा सा नमूना वीडियो में भी देखा जा सकता है, जहां एक डॉल्फिन वेनिस पहुंच गई। इस नई जगह और नए शहर को देखने के लिए इस मछली की एक्साइटमेंट साफ देखी जा सकती है। पास ही मौजूद इंसान इस मछली को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि मछली इन महाशय की कोई भी बात नहीं सुनती और अपनी धुन में मग्न रहती है। वैसे लॉकडाउन के दौरान इस फिश का शहरी इलाकों में दस्तक देना किसी करिश्मे से कम नहीं है। नंबर 6, टर्टल्स नेस्ट ऑन एम्प्टी बीचेस ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान समुद्री कछुए भी इंसानों के इलाकों के करीब आने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि इन छोटे आकार के जीवों ने शहरी इलाकों के भीतर दस्तक भले ही ना दी हो, लेकिन उन्होंने नेस्ट बनाने के लिए ऐसे बीचेस को चुना जो कभी इंसानों की चहल पहल से भरे रहते थे, जिसके बाद इन टर्टल्स के बच्चे भी यहीं जन्मे। ये नजारा दिखने में जितना आश्चर्यजनक था उतना ही प्यारा भी। मतलब साफ है कि आज से कई साल पहले जब इंसानों की आबादी बहुत कम होगी, तब ये जीव इसी तरह हमारे आसपास मौजूद इलाकों में अपनी पूरी जिंदगी बिताते होंगे। हैरानी की बात तो यह है कि इस तरह की इवेंट्स इंडोनेशिया, इंडिया के अलावा बाकी देशों में भी देखे गए हैं। आम जिंदगी में जहां बीचेस को कई सारे लोगों से घिरा हुआ पाया जाता है, वहीं इन कछुओं ने अपना ढेरा जमा कर ये तो साबित कर ही दिया कि समय और माहौल के हिसाब से उन्हें खुद को ढालना बहुत अच्छी तरह से आता है, और अगर इंसान ना हो तो आज इन खूबसूरत बीचेस पर इनका राज होता। नंबर 5, ईमू इन स्ट्रीट। इमेजिन कीजिए, जिस वक्त आप सुबह के नाश्ते के लिए ब्रेड लेने जा रहे हो, तभी आपकी नजर शहर की सड़कों पर जाती है, जहां कुछ विशालकाय पक्षी तेज रफ्तार से भागे चले जा रहे हैं। इस सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन होगा? वैसे लॉकडाउन के दौरान ऐसे कई मामले देखे गए जब ईमू जैसे विशाल पक्षियों को सड़क पर देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। आप यहां इस वीडियो में भी देख सकते हैं,
कि किस तरह इन पक्षियों का पूरा झुंड मजे से शहर की सड़कों पर घूम रहा है और इन पक्षियों के ठीक पीछे एक लड़का है जो ईमू को दौड़ा रहा है। वैसे शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद ये पक्षी और ये लड़का एक साथ जॉगिंग कर रहे हैं। वैसे क्या आपने भी लॉकडाउन के दौरान किसी भी अनोखे पक्षी या जानवर को अपने इर्द गिर्द देखा जो आमतौर पर जंगलों में ही रहना पसंद करता हो, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 4, राइनो वॉक ऑन रोड ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये नजारा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अब तक दिखाए गए सारे जानवर तो ठीक थे, लेकिन गली मोहल्ले में राइनो जैसे खतरनाक जानवरों का घूमना कोई आम बात नहीं। वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि किस तरह कुत्तों का झुंड इस विशालकाय जानवर को घेरे खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जानवर इस झुंड का हिस्सा बनना चाहता है। धीरे धीरे ये जैसे ही आगे बढ़ता है, आसपास मौजूद लोग इस जानवर को देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब पास ही मौजूद एक लड़का और कई सारे लोग इससे डरने की बजाय इसके करीब पहुंचकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। अब इन सज्जनों को कौन समझाए कि इसका सिर्फ एक हमला इन सभी की जान ले सकता है। खैर, अच्छी बात तो यह है कि राइनो इस वक्त काफी शांत है, वरना अब तक तो पूरे मोहल्ले का कचूमर निकाल दिया होता। राइनो भी कुछ कम नहीं है, वो ऐसे चल रहा है मानो सड़क नहीं कोई फैशन शो हो। ये पूरा वीडियो जितना ज्यादा फनी है उतना ही हॉरिफाइंग भी है, क्योंकि हमला करना या चिल करना सब कुछ इस जानवर के हाथों में है। नंबर 3, लेपर्ड स्पॉटेड इन सिटी ड्यूरिंग लॉकडाउन। गाड़ी के सामने कुत्ते, बिल्ली या दूसरे छोटे जानवरों का आना तो आम बात है। गाय और भैंस भी सड़कों पर आसानी से देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिला। ये देखिए, सड़क के किनारे लेपर्ड बैठा है। जब लोगों का ध्यान इस पर गया तो वो हक्के बक्के रह गए। हैरानी की बात तो ये है कि इतनी ज्यादा हलचल होने के बाद भी ये जानवर यहाँ से भागने की सोच तक नहीं रहा। गाड़ियाँ आ जा रही है, लोग भी बार बार आकर इस जानवर को देख रहे हैं। ये भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा। खैर, अच्छी बात है कि कुछ ही देर बाद वन विभाग के अधिकारियों को इस जानवर की मौजूदगी की जानकारी दी जाती है और उनकी टीम आकर इस जानवर को अपने साथ जंगल ले जाती है। ये वीडियो हैदराबाद का है। वैसे लॉकडाउन के दौरान इसी तरह दूसरे शहरों में भी लेपर्ड की मौजूदगी दर्ज की गई। नंबर 2, एलिफेंट वॉकिंग इन स्ट्रीट ड्यूरिंग लॉकडाउन। अगर पिछला वीडियो देखकर आपको लगा कि नजारा काफी खतरनाक है, तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे जहां एक विशालकाय हाथी रात के अंधेरे में सड़क पर चुपचाप चल रहा है। ये वीडियो केरला का है। लॉकडाउन के दौरान जब इस जानवर को शहर के बीचों बीच देखा गया तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ये किसी महावत का पालतू नहीं था, बल्कि जंगली हाथी था। जाहिर है कि अगर गलती से भी इसका माथा खराब हुआ तो आसपास मौजूद पेड़, बिजली के खंभे, लोगों के घर, बस्तियों के सिवा ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी मिट्टी में मिला सकता है। नंबर 1, हंग्री मंकीज फाइट ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान कई सारे जंगली जानवरों को इंसानों की बस्ती में घुसते हुए देखा गया, पर थाईलैंड में कुछ अलग ही देखने को मिला। दरअसल महामारी से पहले टूरिस्ट का थाईलैंड में आना जाना लगा रहता था, लेकिन महामारी के चलते जैसे ही लॉकडाउन लगा तो सैलानियों का आना जाना भी कम हो गया। टूरिस्ट की वजह से यहाँ पर मौजूद बंदरों को भी भारी मात्रा में खाना मिल जाता था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद बंदरों को खाना मिलना लगभग बंद हो गया और इसी वजह से यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही किसी एक झुंड को खाना दिया जाता है तुरंत ही दूसरा झुंड आकर उनसे खाना छीनने की कोशिश करता है। ऐसे में आए दिन बंदरों के बीच खूंखार लड़ाइयां होती रहती थी। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि लॉकडाउन में एनिमल्स की एक्टिविटीज से जुड़ी हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। क्या आपने कभी इन खतरनाक जानवरों को इंसानी इलाकों में देखा था? और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द मिलेंगे इसी तरह किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।